मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग के अंदर। तो सुबह सुबह आया था मैं आज पार्क, अभी तो किसी का इंतजार कर रहा हूँ कि दोबारा जाना है। अभी तो नेहरू पार्क जा रहे हैं, आज आया नहीं अभी तक भाई, देखते हैं कब आएगा। तो यहाँ पे तो बच्चे खेल रहे हैं, छोटे फुटबॉल से खेल रहे हैं, दिखाता हूँ मैं सुबह जो इनका खेल। सुबह सुबह फुटबॉल खेल रहे हैं, सही है, इनकी फिटनेस सही रहेगी, लेकिन इनकी बात समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं लोग। सबसे ज़्यादा देखो कौन अच्छा खेल रहा है, बताना ज़रा इनमें से। तो जा रहा हूँ मैं अभी जहाँ पे अर्जुन भाई ने बुलाया। सुबह के बजे पे 8 और ये पूरी गफार मार्केट बंद पड़ी है, पूरी गफार मार्केट बंद पड़ी है। और पहुँच चुके हैं मेट्रो पर, पहुँच गए मेट्रो पे, अब चलते हैं जहाँ जाना है हमारे। अभी अभी मेट्रो पे पहुँचे थे, अंदर एंट्री कर चुके हैं और ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से ऊपर जाके आप बहुत भीड़ हो रही है मेट्रो। तो दोस्त अभी अभी आए थे, इधर आए हैं लोकल यहाँ लोकल चौक से मेट्रो चेंज करी हमने गेल लाइन पे, उसके बाद आ गए यहाँ से भी। अभी 2-3 किलोमीटर दूर है ना, यहाँ से भी अभी 2 किलोमीटर दूर है ना। वैसे चक्कर में तो बहुत सिक्योरिटी है यहाँ पे। एक बार इधर नेहरू पार्क और अब हम एंट्री करने जा रहे हैं, जाने टाइम में कम देंगे। हाँ, तो जस्ट अभी भी हमने एंटर किए हैं नेहरू पार्क के अंदर, और देखा फुटपाथ पे भी इन लोगों ने कारपेट लगा रखा है, और अच्छा सही लगा रखा है इन्होंने कारपेट। और देते हैं एक्सपीरियंस कैसा है या कैसा नहीं है, चलते हैं आगे की तरह और देखेंगे, घूमते रहेंगे जब तक है ये पार्क पूरा घूम लेंगे आज के दिन। देखो कौन से वॉयलेट कलर के फूल है यहाँ पे, हरियाली हरियाली ऐसे चल रही है, बच्चे सारे कराटे सीख रहे हैं। दिखाते हैं वहाँ की तरफ भी जाके आपको, लेकिन कोई आना चाहे तो बिल्कुल आ सके, बहुत बढ़िया जगह है। ऐसे हमारे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन था करोलबाग मेट्रो स्टेशन, उसके बाद हम पहुँचे राजीव चौक। राजीव चौक के बाद हमने चेंज कर ली येलो लाइन से जन कल्याण, कौन सा कल्याण मार्ग था, लोक कल्याण मार्ग, लोक कल्याण मार्ग। वहाँ से ऑटो ने लिए, हमारे से तो 50 रुपये लिए वैसे, लेकिन कब लगते हैं तो उनको कम ही देना आप लोग वगैरह हो तो यहाँ की तरफ। और अच्छी जगह है, सुकून मिल रहा है वो जगह में। आवाज़ देखो कितनी प्यारी आ रही है पानी के यहाँ से, कितना प्यारे प्यारे झरने सही है। बस पानी थोड़ा आ रहा है, इससे क्लियर होना चाहिए था थोड़ा, बाकी यहाँ तो हरियाली हरियाली है, मछली वछली सब है, लेकिन पानी ग्रीन है। अगर सफ़ेद पानी होता थोड़ा तो क्लियर दिखाई देती है मछली, ना खिला भी रहे बंदे, ब्रेड ब्रेड डाल रहे मछली को। इसी साइड दिखाई दे रही है तुम्हें, उधर की तरफ दिखाई नहीं दे रही, इधर रुका हुआ पानी। हाँ, इधर रुका हुआ है ना, सारी इकट्ठा हो रखी है, और अच्छी डिज़ाइन वाली मछली है। एक ब्रेड के चक्कर में देखो लड़ाई कर रहे हैं लोग, खत्म नहीं अभी तो है ब्रेड और ख़त्म, देखो देखते देखते ख़त्म हो गए फिर ख़त्म। वहाँ पे देखो हमें भी लाना था यार एक ब्रेड का पैकेट, चल रही है यहाँ पे, आस पास भी तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो लेके आते हैं, पता नहीं था ना।
सारे इकट्ठा हो गए, कोई है जो इनको आटा डाल रहा है, आटा खा ले। देखो कितनी प्यारी नजारा है, एक दूसरे से लड़ गया था, सारी एक जगह इकट्ठी हो गई। अब आगे चूल्हे वूल्हे ओपन जिम वगैरह सब खुली हुई है यहाँ पे, तो जिम भी अच्छी है। हाँ ओपन जिम भी बनी हुई है, वो बंदे कर भी रहे हैं जिम। और देखो हम इस साइड आ चुके हैं चलने की, अब इस साइड का व्यू देखते हैं, आप भी देखो हमारे साथ। तो जस्ट अभी अभी मैं बात ही कर रहा था कि रात में बंद हो जाता हुआ जब नाले की, ये तो अभी बंद हो गया। देखो अभी तो देखने आए थे, देखना शुरू करा पार्क, तो अभी तक घूमा ही नहीं पार्क के अंदर, अभी तो ही बंद हो गया झरना। तो भाई आप सबने लोटस तो देखा ही होगा, वो होता है कौन से कलर का होता है, वो पिंक कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, लेकिन रेड कलर का होता है। तो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको येलो कलर के लोटस, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ आज येलो कलर के लोटस। तो ये देखो ये रहा येलो कलर का लोटस, कैसा लग रहा आप सबको? पूरी वेव आ रही है हमको भाई, देखो झरना बंद होने के बाद आई है, कलरफुल है सारे। हाँ एक लोटस नहीं है भाई यहाँ पे, वो बतख भी है, पिंक लोटस भी है, और ये बीच में फ्लावर्स भी उग रहे हैं, पता नहीं कौन से फ्लावर्स है लेकिन उग रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। ये सारे लोटस हैं, वो बतख ये भी उगे नहीं होंगे इसके अंदर, ये सब लोटस। हाँ यहाँ पे सब कर रहे योगा होगा, कोई बैठा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, और सामने देखो इंडिया का झंडा लहर रहा है, जय हिंद। तो कैसा लगा आप सबको पार्क? अगर हम कहीं और जाएंगे तो वहाँ की भी बना के लेके आऊँगा मैं, वहाँ पे भी बनाता हूँ लोग। और वैसे ही वाला कैसा लगा आपको पार्क? अगली बार अगले संडे देखते कहीं और का प्लान बनाते, कहीं और जाएंगे। चलो अब हम घूम लेते हैं थोड़ा, आपको दिखाता हूँ फिर मैं आगे कहीं और जाते हैं। पार्क भी ठीक है, नीट एंड क्लीन पार्क है, और घास काट रहे हैं, और घास भी काट रहे हैं यहाँ पे देखो मशीन से। एक बार आके देखना आप सब, आपको लगेगा जन्नत में आ गए, सुकून मिलेगा बहुत अच्छा। पेड़ के नीचे बैठो छाव के अंदर, दिल्ली का सबसे अच्छा पार्क है। देखो अर्जुन भाई कुछ बोल रहे हैं, दिल्ली का सबसे अच्छा पार्क है। हम तो एक जगह घूम के बैठ चुके हैं। तो पार्क घूमने के बाद हमारे हैं यहाँ से, यहाँ पे हमारे पास है रोज गार्डन, रेल म्यूजियम। अब देखते हैं, हमारा मन कर रहा है रेल म्यूजियम जाने का, तो रेल म्यूजियम चलते हैं वहाँ की तरफ, वहाँ देखते हैं कौन कौन से इंजन रखे हुए हैं वहाँ पे रेल म्यूजियम। और टिकट काउंटर पे, शायद वो टिकट काउंटर ही है, तो उस पर लग रही है बहुत भीड़। भीड़ क्या है, ज़्यादा नहीं, 10-15 बंदे हैं, कोई नहीं जल्दी नंबर आ जाएगा अपना, और फिर चलते हैं अंदर, एंट्री लेते हैं, दिखाते हैं फिर आप सबको। देखो रेल म्यूजियम की रेल्स, कैमरा अलाउड नहीं है वैसे यहाँ पे। इसका भी अभी रेल आके रुकी है जो चलती है, इसमें आप आ सकते हो। ये भी चलेगी अभी वाइंजन, ये पटरी ऑन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं पटरी। ये देखो रेल म्यूजियम का गेट आ गया, अब अंदर एंट्री करेंगे, यहाँ से करते हैं एंट्री। अब अगर आप वीकडेज पे आते हो तो 50 रुपये टिकट लगेगी, अगर वीकेंड पे आओगे तो 100 रुपये, ध्यान रखना। आज वीकेंड है, 100 रुपये की टिकट है, हमारे साथ तो हो गया सीन, आप लोग मत करा लेना। तो अब सीधे एंट्री करते हैं, चलो आ जाओ। सेंसर वाला गेट लगा है यहाँ पे, तो अरे ये सारे इंजन है, स्ट्रीम लोको VT अलग अलग मॉडल के। ये यहाँ पे वे घड़ी, मिराज स्टेशन की घड़ी, बंसल लंदन की घड़ी है, ये रॉकेट पता नहीं क्या क्या नाम है, ऐसे ऐसे बैल, ये तो बैलगाड़ी की तरह। ये सारे अवार्ड है,
ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे कि जोधपुर के शाही परिवार की, ये है एक इंजन, ये रहा मॉडल, ये रहा मॉडल इंजन, ये रहा सबसे बड़ा मॉडल इंजन, यही दिखाई दे रहा है मेरे को। आप भी देखो क्या क्या लिखा है, हमने तो पढ़ा नहीं बिल्कुल भी। ये देखो आयरन चेस्ट वगैरह रखी है यहाँ पे, ये पता नहीं क्या है। ये देखो टनल की, टनल ऐसे देखो, ये मिट्टी आ रही है। हाँ ऐसे टनल की खुदाई होती है, देख लो। हमारे टूरिस्ट, हमारे टूरिस्ट गाइड बता रहे हैं यहाँ पे, सुन लीजिए कि ऐसे होती है। ओ शिप, शिप भी है, नौसेना की शिप। ये रेल की पटरी ऐसे चेंज होती है उसका दबाने से, ये आधा इंजन आधा वो पड़ा लोहे का रेल का पहिया। एक और शिप है इसके ऊपर ना पूरा रेल आई हुई है, पुरानी वाली शिप के ऊपर, तो इस वाली पे नहीं है ऐसे। और ये उसके बियरिंग प्लेट सब चीज़ें है, क्या क्या नाम लो, बहुत बहुत सारे नाम हैं। आप नाम दिखा देता हूँ, आप अपने आप पढ़ लेना। ये और इंजन नीचे के वो ऑयल बॉइज स्टील हाई स्पीड वाले, ये एल्यूमिनियम के वो देखते रहो। और टच करने के लिए मना कर रखा है यहाँ पे। ब्रिज अभी बन रहा है, उसका भी मॉडल तैयार हो रखा है, देखो। पुराने ज़माने में ऐसे सिग्नल दिया जाता था 1900-1800, अब ऐसे सिग्नल दिया जाता है। ये स्टंट सिग्नल, स्टंट सिग्नल, हैंड सिग्नल, फेस पॉइंट लॉक, डबल वायरिंग, सिंगल रूम, सर्किट ब्रेकर, एपस की ट्रांसमीटर, बहुत कुछ है। शॉर्ट सिग्नल हाथ से वाले जो दिखाते थे, ये मैकेनिकल है वो सिंपल। और भी कुछ है, ये देखो, ये क्या है, पॉइंट इंडिकेटर, ये समझ नहीं आया मेरे को ये क्या है। और ये जो ये वो है जहाँ से रेल की पटरी को जोड़ा जाता है, यहीं से एंगल दिया जाता है कि कहाँ से कहाँ जाएगी। बहुत कुछ है देखने लायक, आप आओ, लेकिन वीक डेज पे आना, वीकेंड पे तो 100 रुपये की एक टिकट लगेगी। हम भी आए, हमारे साथ भी हुआ, हम सोचे वीक 50 रुपये की टिकट है लेकिन लगी 100 रुपये की। देख लो, वीडियो बनाना अलाउड तो नहीं अंदर, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं, वो भी गाय थोड़ा देख देख के बना रहे हैं कि आगे पीछे कहीं होना। घूमने लायक प्लेस तो ये भी है, वो बहुत बड़ी जगह है, पता नहीं क्या क्या रखे हुए हैं यहाँ पे। ये सारे लोग पुराने से लेके नए सारे ट्रेन का लोगो है, नंबर है इसके अंदर, जो अच्छी अच्छी ट्रेन थी इंग्लैंड की, सारी ए टू जेड, वो ये इंडिया बना है। सत्ते में चाहते हैं, रेल म्यूजियम ऑफ इंडिया का क्या कहाँ कहाँ पे है वो दिखा रहे हैं। हम आपके लिए रिस्क ले रहे हैं, तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। और जो चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर करना। बहुत इंजन है, हैं ये देखो, ये सारे रेल म्यूजियम के मैप हैं। ये मैप हम अभी कहाँ पे, ये जो रेल म्यूजियम है इसका मैप है, इधर अपन है, हम इधर एक समय म्यूजियम, हम अभी एंटर हुए हैं इस जगह पे म्यूजियम में। आज ये तो दोनों आपको दिखाई दिए, वो सामने वाला देखो, सब इसके नाम वाम सब है, स्टीम लोको VIP 3917, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, देख लो आप। ये देखो फेरी क्वीन दिल्ली से अलवर जाने वाला होगा सबसे पहले, वो ये तार को ले जा रहा है। बहुत बड़ा म्यूजियम है गाइस, बहुत बड़ा।
देखते रहो, हम दिखाते जाएंगे आपको। ये हॉर्न हॉर्न है, हॉर्न स्पीडोमीटर वगैरह सब चीज लगी हुई है यहाँ पे। ये इंजन, ये मॉडल विद क्रेन विद जी स्केल, ऐसे उठा के इसको इंजन के ऊपर इसके ऊपर रखा जाता है। हॉर्न भी है जी। वो सामने देखो हैंगर वगैरह कुर्सी है, सब रखी हुई है। वो ये देख रहे हो इंडियन रेलवे, ये वंदे भारत देखो जो अभी नहीं चली थी वो आई। इसमें लोको पायलट नहीं है, अभी लोको पायलट बैठाएंगे हम। ठीक है, देखो अंदर की सीट वगैरह, हाँ दोनों साइड दो दो लगी हुई है, सब दिखा रखी है। जिसने वंदे भारत में देखी है आज तक, देख लो ऐसे दिखती है बाहर से मॉडल, इसका अंदर से भी दिखा देंगे। अभी तो बहुत बड़ा है म्यूजियम तो। देखो लाइटिंग, पुराने जमाने के बल्ब है ऐसे लगाए जाते थे। देखो कंटेनर पे लोड करते हुए आते हैं ना। ये बैंगलोर से दिल्ली आने वाली, ये स्लीपर एयर कंडीशनर, ये भी एयर कंडीशन कोच है। वो इंडियन रेलवे की क्रेन हो गई, वो सब है यार गाइस। यहाँ पे बहुत बड़ा रेलवे म्यूजियम है कि घूमने में हमारे को इतना टाइम लग गया। एक लाइक ज़रूर देना आप, छोटी छुप के वीडियो बना रहे हैं। सारे रेलवे कोच आपको एक जैसे ही लगेंगे, सबका कलर सिमिलर है। ये एक आपको वो वाली ट्रेन देखो, शायद वो बुलेट ट्रेन है, दिखाता हूँ आपको। और बुलेट ट्रेन है पता नहीं कौन सी ट्रेन है, यहाँ यहाँ चलती है ट्रेन। सारी जगह की फोटो लगी हुई है, मैं आगे जा नहीं सकता क्योंकि गार्ड पीछे से देख रहा है, तो मैं छुपके से बना रहा हूँ सब आप सबके लिए बस। और सामने देखो जैसलमेर वाली जैसी ट्रेन है, शाही ट्रेन है, शाही ट्रेन पता नहीं क्या नाम है उसका, देख के बताता हूँ मैं आपको। और ये आए थे हम बाहर की तरफ, बाहर की तरफ देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना हुआ है, पता नहीं ऑफिस टाइप का है शायद, देखते क्या सीन है इसका भी। तो निकल चुके हैं रेल म्यूजियम से, और रेल म्यूजियम से सीधे जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन जो नियरेस्ट है, वहाँ से लेते हैं, मैं वहाँ से पकड़ते हैं मेट्रो और फिर आते हैं करोल बाग, फिर चलते हैं घर। तो आ चुके हैं अभी मेट्रो स्टेशन पे, इस मेट्रो स्टेशन का नाम है मिस्टर मोती बाग वाले मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से हमारे को ट्रेन चलनी पड़ेगी राजौरी गार्डन से ब्लू लाइन के लिए। तो मैं आके सो गया था थोड़ी देर, अभी उठा हुआ इन लोगों ने चाय बना के रखी है, तो चाय पीता हूँ उसके आराम से मिलता हूँ। तो गाइस उसके बाद की क्लिप मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं आज बहुत थका हुआ था, आलस आ रहा था। और अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना कि जब भी मैं कुछ न्यू चीज़ डालूं चैनल पर तो आप सभी देख पाओ। गुड नाइट, बाय बाय।